अस्सलाम वालेकुम। जिस दिन का इंतजार था भाई वो दिन आज मौजूद है। फर्स्ट मार्च द ग्रेटेस्ट इवेंट ऑफ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, स्टेज इज ऑन, अवाम भरपूर आ चुकी है। क्राउड आप देख सकते हैं कि कैसा गैदर हो गया है। तो दिस इज द इवेंट ऑफ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। हेलो भाई, ओ रियली भाई माशाल्लाह से क्राउड जो है वो गैदर हो चुका है। आप देख क्राउड के सीन। अच्छा, एंट्री का जो सीन्स है वो यहाँ पर हमारे साथ भाई संभाले हुए हैं। एंट्री का पास था, पास कितने का था यार? 150 का था। 150 का पास सस्ता नहीं था? नहीं, पहले जो बीबीए डिपार्टमेंट के थे ना, ठीक है, उनके लिए 150 था, ठीक है। फिर जैसे ही वन वीक के बाद ना 200 का हो गया, यानी बढ़ते गए। सही, आउट ऑफ डिपार्टमेंट है जी, उनके लिए पास 300 का पास है उनके लिए, ठीक है। आप देखेंगे सारे जो पासेस, चेकिंग का सिलसिला, फैसल भाई फुल चेक हो रहे हैं पासेस, फुल की कोई पास के बगैर अंदर तो नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं, फुल सिक्योरिटी, फुल सिक्योरिटी। ये हुई ना बात। आरशिक भाई भी चेक कर रहे हैं भाई, कितने पास फाड़ दिए अभी तक? 150 पास। अगर कोई पास के बगैर अंदर आ गया तो क्या होगा फिर? हम लगा रहे हैं, ठप्पा ठप्पा लगेगा, ठप्पा कैसा लगेगा? अच्छा मेरे ठप्पा लगा दे, आपका नहीं लगा, आपका पास का है? मेरा तो पास है ही नहीं। वी हैव हीरा, और हीरा ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में अपना बिल्कुल बहुत इतना सा भी किरदार अदा नहीं किया। हीरा क्या किरदार है आपका इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में? मैं हर चीज देख रही हूँ। अच्छा, क्या क्या देखा अभी तक आपने? कोई नहीं सुन रहा, सबसे पहले तो मुझे देखा। एक दो देख के क्या एहसास हुआ आपको? अहमद भाई भी आज व्लॉगिंग कर रहे हैं। एक मिनट में हमने क्या, दोनों साथ व्लॉगिंग करते हैं आज। तो भाई अहमद भाई भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, और एक अहमद दो अहमद, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में फर्स्ट इवेंट हो रहा है। I'm feeling so excited because it's the very first time in history all are gathered here in a very peace and in a very good venue. इस व्लॉगिंग में सबसे ज्यादा शुक्र अदा जो मैं करूंगा वो अपने बिलाल भाई, बिलाल भाई की वजह से हो रही है व्लॉगिंग। अब क्यों हो रही है वो एंड में बताऊंगा। और ये हमारे भाई भी हमारे टीम में, आपका क्या नाम है सर? हारिस भाई। हारिस भाई मोनेटाइजेशन टीम में, और मोनेटाइजेशन टीम का काम है वीडियोस बनाना, शेयर करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस इवेंट की सबसे जो है फारिक शख्सियत जुबैदा। जुबैदा, इवेंट आपने 3 बजे शुरू करना था और आप पहुंची हैं 4 बजे। You know, I'm coming in 12 PM. Excuse me, people. क्या कर रहा 12 बजे से आगे? Actually 12. अच्छा? And you guys didn't come right? अच्छा, इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Kindly seats को फिर कैसे बैठे? सरजील भाई कैसे हैं आप? प्रोग्राम स्टार्ट कर सके हैं? ऐसे तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा प्रोग्राम स्टार्ट, प्लीज। पब्लिक आई भी है। ओहो, यानी और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो है अभी स्टार्टअप है, स्टार्टअप में ही क्राउड आप देख सकते हैं पीछे, बेहतरीन। अभी जब इवेंट स्टार्ट होगा तो सोचेगा कितना क्राउड होने वाला है फेडरल के अंदर। फेडरल के अंदर इवेंट है और पता नहीं चल रहा है, तो थोड़ा शोर वोर अगर मचवाना चाहे तो मचवा सकते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल मचवा सकते हैं। ऐसी मचवाए या माइक पे जाके मचवाए? नहीं, माइक पे मचाना पड़ेगा। अच्छा, तो समीर भाई से रिक्वेस्ट करते हैं जाकर के यार थोड़ा सा जोश होना चाहिए, क्राउड थोड़ा सा शोर बचना चाहिए ना। सॉन्ग लगा ले फिर शोर होगा, लगवाए सॉन्ग राइट नाउ हियर के जोरों शोरों से आवाम यहाँ पर आ चुकी है और स्टेज सज चुका है। कुछ ही देर बाद फर्स्ट हमारा कार शो है, ध्यान फिर वर्कशॉप का सिलसिला भी है, और उसके बाद फिर जो सॉन्ग्स हैं और जो कॉन्सर्ट है उसका सिलसिला भी है। आवाम की तरफ थोड़ा सा जाते हैं और पूछते हैं कि क्या सीन्स चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर दोस्त अहबाब जो फुल ब्लैक थीम में आज मौजूद हैं वो भी यहाँ पर हैं सारे माशाल्लाह से। कैसे सर आप? अच्छा, तो साद भाई सबसे पहले, अरे साद भाई क्या लग रहे हैं आप माशाल्लाह? कौन सा डिपार्ट है आपका आज? ओल्ड सिक्योरिटी में। आप सर? भाई मैं हर डिपार्टमेंट में। और अमान भाई क्या, अमान मेरी
मैंने लिया यार ये ले ले आप ऑन द कैमरा मेरी पिक्चर ले आजा देख और अमान हमारी पिक्चर लेना अमान अच्छी आने चाहिए अगर पिक्चर खिंचवाना हो अमान से तो अमान इज़ द बेस्ट व्लॉगिंग के साथ बेस्ट हो गया और इवेंचुअली हम अगर आगे जाएं तो ये अनस मेरे डिपार्टमेंट है फिर से लेट है अनस जिंदगी में तुम पैदा ही लेट हुए हो यकीन मैं इस बंदे की वजह से तुम्हारी डेस्क वहां लगी हुई वहां दफा इस बंदे की वजह से लेट हो बंदे की वजह से लेट हुआ इस बंदे की वजह से लेट नहीं सीन्स गलत है बिल्कुल अच्छा बोला 4 बजे आया मेरे तो एटमॉस्फेयर कैसा लग रहा है आपको अनस भाई इधर देखो यार एटमॉस्फेयर कैसा लग रहा है आपको मलिक बच्चे बहुत टाइट है ओ ये इट्स गोइंग रॉन्ग वे यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और कार्स हमारी आ चुकी का फुल अटेंटिक शो है जो बात है फेडरल यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम बिल्कुल ऐसा इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा यहां बहुत मजा आ रही है दिल का गार्डन हो रही है लब्बे शीरी सा लब्बे शीरी सा लगेगा अभी और लगेगा क्योंकि वी हैव मोर परफॉर्मेंस टू गो इंशाल्लाह आफ्टर दैट कार शो हमारे पास यहाँ पर फूड स्टॉल्स भी काफ़ी मौजूद हैं जहाँ पर स्टूडेंट जो हैं फुल फूड को एंजॉय कर रहे हैं अपना बिरयानी गोलगप्पे एक्सेट्रा पता नहीं क्या क्या जिसको सोच के भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो देखते हैं कि क्या क्या फूड्स अवेलेबल है हमारे पास और कौन कौन अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं तेरा बिरयानी बारबेक्यू आपकी अपोजिट रोड पे ये सामने उर्दू वाले के सामने अपोजिट रोड पे ओके क्या क्या ऑफर कर रहे होते हैं हमारे पास बिरयानी बारबेक्यू पुलाव कटाकट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं ओके टेस्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आपकी यूनिवर्सिटी की मेजोरिटी हमारा हम ही सर्व कर रहे होते हैं ओके थैंक यू तो जितना मेजोरिटी सर्व कर रहे हैं वो बता देता वैसे ही अच्छा टेस्ट नहीं है स्टॉल हमारा स्नैपिट की जानिब से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ये स्नैपिट है क्या थोड़ा सा बताएंगे ऑडियंस को स्नैपिट ये एक है कि हम ना स्टूडेंट इंटरनेशनल आईडी कार्ड्स बनाते हैं स्टूडेंट के टीचर के एंड यूथ के ये पाकिस्तान में ज्यादा गोल उठलो अवेलेबल है वहाँ पर हमारे डिस्काउंट से ठीक है अच्छा यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा लगा स्टूडेंट का फीडबैक कैसा लगा स्टूडेंट का फीडबैक माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से और फर्स्ट टाइम आप फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो अभी तक बार हुए अच्छा तो एक्सपीरियंस अच्छा है अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा है चलें ठीक है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थोड़ा सा और विजिट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आइसक्रीम का आपको स्टॉल दिखेगा उसके बाद गोलगप्पों का स्टॉल दिखेगा यानी फुल सीन ऑन है कुछ स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि वो कैसे इन्जॉय कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा क्या कैसी एंजॉयमेंट हो रही है मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और अभी कार शो हुआ है बहुत ज़्यादा मज़ा आया है कार शो में और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे इवेंट पहली बार हुआ है इस यूनिवर्सिटी में एंड आई रियली अप्रिशिएट तो क्या फीडबैक देना चाहेंगी ऑर्गेनाइजर्स को कि उन्होंने ऐसा इवेंट अरेंज करा आप लोग मैं ऑर्गेनाइजर्स को यही देना चाहूँगी फीडबैक कि बहुत अच्छा किया उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा कर और मेरे ख्याल में फ्यूचर में भी इस तरीके के ऑर्गेनाइज करवाते रहना चाहिए ठीक है थैंक यू सो मच एंजॉय करें आप लोग Settle down guys, the program has been started.
करियर बिल्डिंग, लोगों को बताना कि ये क्या है, कैसे होता है। तो आज हम जो बात करेंगे ना, वो SEO के हवाले से नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे एज ए करियर इसको किस तरह लिया जाता है, ठीक है। कैसा सेटअप है, कैसी इन्वायरमेंट है? हम जो स्टूडेंट बन के आते हैं तो डिफरेंट होता है, आज हम विंड में आए तो बिल्कुल ही अलग ही इन्वायरमेंट है, और अच्छा लग रहा है कि फेडरल में भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सक्सेसफुल रहे और आगे भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं। अब तक आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी? अभी तक तो सिर्फ गेम कार शो ही था जो इंटरेस्टिंग था और काफ़ी मज़ा आ रहा है उसमें, पर न्यू थिंग्स हैं फेडरल के लिए भी, इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की चीज़ें, इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छा कुछ होने वाला है इंशाल्लाह। थैंक यू। वी हैव वेरी लवली टीचर ऑफ अस मिस मुबीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मिस? ठीक है, मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मिस सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे इवेंट का हिस्सा बनी, और इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगी, कैसा इवेंट लग रहा है अभी तक आप? ये तो देखो बेसिक नीड है, यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जब आप पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं, और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं जैसे कि आज अरेंज किए हैं स्टूडेंट्स ने, तो डेफिनेटली सोसाइटी को लर्न करेंगे, सोसाइटी के बिहेवियर को समझेंगे, और ये आपकी सोशल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, और वो आपको इसी तरीके से गैदरिंग से, इंटरेक्टिव वर्कशॉप से, या फिर आप न्यू बिहेवियर्स को लर्न करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि इफ़ यू वांट टू गो समवेयर तो आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या आपके लिए सही है, और नए रास्ते खुलते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता वो BBA कर रहे हैं और उनको कौन सी फील्ड चूज करनी, तो माइट दे विल थिंक समथिंग गुड एंड डिफरेंट एंड दे विल फाइंड द डेस्टिनेशन। तो मेरे ख्याल से ऐसे और भी इवेंट, पहली बार एक इवेंट हो रहा है जिसमें आप अटेंडीज भी हैं, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जहाँ पर हमारे सॉफ्ट स्किल पर भी वर्क किया जाए और हमारी डेवलपमेंट में काम किया जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर हमारे एकेडमिक्स पर ध्यान देते हैं, तो इस तरह के इवेंट जो है ना, हमारी सॉफ्ट स्किल डेवलप होती है इस तरह के इवेंट्स से। तो अबाउट द मैनेजमेंट कैसी है, लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं? नहीं, मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड, और बहुत ही अच्छे से जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स हैं, और जो भाई फुल जोरों शोरों से जारी है। जौ का सबसे ज़्यादा थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे ऐसा एक इवेंट दिया। कुछ स्टूडेंट्स को और पकड़ते हैं। जुबैदा अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जुबैदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शुरू से आप मुझे पता है सुबह से यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन आने की वजह क्या थी? Because this event is stand for the different workshops and they have the different concert, so that's why I have a lot of work to do, and you know there's event from the zoo and I'm the member of zoo too, the core team leader, and then that's why I just came from the morning and till here, but I'm enjoying a lot and I'm so excited. We are waiting for this day like too long. Finally, the event is over. अच्छा ज़ुबैदा, इतनी मेहनत आपने करी तो कुछ सिला मिला? Yes, ये सिला है, like seriously. Yeah, that's it. यही सिला है सब कुछ जो यहाँ पर इतनी रौनक लगी है। Mr. Samir. Samir. Mr. Samir too. Okay. Samir भाई भी आ जाएं तो मजा आ जाएगा। Samir भाई, माशाल्लाह से आज के इवेंट के होस्ट हैं हमारे Samir भाई। कैसे Samir भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। Samir भाई, इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस कैसी मिली आज आप? क्योंकि मैं होस्टिंग कर रहा था तो बहुत ज्यादा बेटर, ऑब्वियसली मैं ही बता सकता हूँ। काफी एनर्जेटिक और मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स थे जो कि वाकई चाहते थे कि कुछ एक ऐसा इवेंट, ऐसी एक्टिविटी इस इंस्टीट्यूशन के अंदर हो, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में एज सच कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। सो ये डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इनिशिएटिव लिया है, एंड पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा उन्हें अप्रिशिएट करना चाहूँगा, स्पेशली सर हसन कमाल साहब को, जिन्होंने थ्रू आउट द टाइम स्पैन जो है हमें गाइडेंस, थोरो गाइडेंस प्रोवाइड की ईच एंड एवरीथिंग में, उन्होंने हमें हेल्प एंड सपोर्ट दी। इसके अलावा मैडम जुबैदा, ऑब्वियसली इनको तो शी इज़ एन इंटेग्रल पार्ट, अनडाउटेडली आई मस्ट से शी इज़ एन इंटेग्रल पार्ट टू द इवेंट। और आधा से ज़्यादा इवेंट बाकी है तो और इन्जॉयमेंट है। एग्जैक्टली, एक आउट ऑफ द बॉक्स एक सरप्राइज फैक्टर भी है, जो कि पहले तो सिंगिंग कॉन्सर्ट था, बट वी हैव एडेड ए डांस इन इट, या डांस, वी हैव अ डांस क्रू ऑफ टू मेंबर्स, सो दे विल बी परफॉर्मिंग वेरी सून। फर्स्टली जो है एक सॉन्ग होगा, आफ्टर दैट दे विल बी परफॉर्मिंग, एंड आई एम सीइंग दिस इवेंट हेयर आफ्टर सम टाइम इंशाल्लाह। सो मच, बाय बाय। परफॉर्मेंस का जो सीन है वो ऑन है, और हमारे साथ मौजूद है लैबा और रिजा। रिजा कैसा सीन है यहाँ पर, मजा आ रहा है? और सिक्योरिटी अच्छा लैब, अगर आपको कॉन्सर्ट में कोई गाना सुनना हो तो कौन सा आपका फेवरेट सॉन्ग होगा? कहानी सुनो, फेवरेट पर्सन से आगे का डायलॉग तो बताया मुझे क्या होता है। कहानी सुनो। ओहो,
जो है यहाँ पे फुल ऑन है, मैं किसी की प्राइवेसी में नहीं घुसना चाह रहा, इसलिए ऑन कैसे आप सारे आप और साउंड ऑन हो चुका है फाइनली, तो परफॉर्मेंसेस का सिलसिला हम पहले परफॉर्म कर रहा हम कैसे हमारा बीबीए का अच्छा सिंगर है, हम हमेशा उसको बिल्कुल अपने बर्थडे वगैरह में उसके साथ हम एंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है, और कोई और भी प्रोग्राम होता है उसी के साथ हम एंजॉय करते हैं, यानी फुल स्टेज पे आग लगने वाली है, फुल स्टेज पे फुल सीन ऑन है भाई, फुल सीन ऑन, मजा आ रहा है इवेंट में और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इससे पहले हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई इवेंट हुआ ही नहीं था, तो आज पहली बार हुआ है ऐसा इवेंट, तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आमना कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आमना आपका टीजर भी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा चला। जी बिल्कुल, इवेंट में कैसा मजा आ रहा है आपको? इवेंट में बहुत आ रहा है मजा, यहाँ पे कार शो और बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, बहुत जबरदस्त। अभी परफॉर्मेंसेस भी होने जा रही है, तो कौन सा सॉन्ग आप सुनने को पसंद करेंगे? अरिजीत सिंह के पसंद है, काश वो गा लें तो फिर बात ही अलग है। अरिजीत सिंह भी हमें बुलाना पड़ेगा भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, इवेंट ऑन इट पीक, यानी फुल जैम पैक आवाम है यहाँ पर। जौका सबसे पहले थैंक यू सो मच के ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिया, बहुत ही ज़्यादा व्लॉगिंग और बहुत ही ज़्यादा फूडिंग, कार शो एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और देर इज़ समथिंग बिग टू गो, जो हमारी परफॉर्मेंसेस है वो, तो उस परफॉर्मेंसेस में जो मज़ा करना है बिल्कुल। ओके ओके।